अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली लेकिन हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चपाती टाकोस, या आप इसको रोटी टाकोस भी कह सकते हैं। इसके लिए हम टाकोस का जो कवर है वो रोटी से बनाएंगे, जैसे सिंपल हम घर में रोटी बनाते हैं। इसके लिए, इसकी डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गंदम का आटा, मैंने चक्की वाला इस्तेमाल किया है 1 कप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा तकरीबन 1/2 कप, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, आप सिर्फ इसको गंदम के आटे से बना सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाला है नमक 1/2 चाय का चम्मच, और नमक को डाल देने के बाद आपने एक मरतबा हाथ की मदद से इसको यूँ मिक्स कर लेना है। और अब बारी है इसको गूंदने की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है टैप वाटर, नीम गरम या गरम आपने इस्तेमाल नहीं करना, सादा पानी जैसे हम आटा गूंदने के लिए लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालेंगे और इस तरीके से ग्रेजुअली ऐड करते हुए आप इसकी एक सॉफ्ट डो गूंद लेंगे। एंड पे मैंने यहाँ पर लिया है 1 चाय का चम्मच ऑयल और इसको मैंने ऊपर से ग्रीस कर दिया है। और अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 1/2 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जितनी देर हमने आटे को रखा है उतनी देर में हम टाकोस की फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू 2 अदद, ये मैंने बड़े साइज़ के लिए थे और इनको सिंपल मैंने उबाल कर कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज तकरीबन 2 खाने के चम्मच, या एक छोटे साइज़ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिमला मिर्च मैंने ली है, ये भी 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई, अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो आप ग्रीन इस्तेमाल कर लें। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं ऑलिव्स यानी कि जैतून, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। सीजनिंग के लिए, चूँकि मैक्सिकन रेसिपी है तो इसमें अच्छी खासी सीजनिंग होती है, मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हस्ब ज़ायका, और साथ ही मैंने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, और आप इसमें डालेंगे नमक हस्ब ज़ायका। बस सीजनिंग के लिए इसमें इतनी ही चीज़ें थीं। कुटी हुई लाल मिर्च की मकदार को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, या अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। सीजनिंग डाल देने के बाद आपने एक मरतबा इसको मिक्स करना है, और एंड पे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल लें। और ये डाल देने के बाद मैं इसको एक मरतबा फिर से मिक्स कर लूँगी, और ये हमारी ज़बरदस्ती हेल्दी टाको फिलिंग तैयार है। अब यहाँ पर आटा तैयार हो चुका था, मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया है, और इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, लेकिन ये काफ़ी मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। इसी तरह से तमाम पेड़ों को आपने तैयार कर देना है, साइड पे आप ढक के इसको रख लें, और एक पेड़ा लेकर इस पर खुश्क आटा लगा कर आप इसको बेलना शुरू करें, और इस तरह से बहुत बारीक आपने इसको बेल लेना है, बिल्कुल जैसे छोटी सी हल्की सी पतली सी चपाती बनती है उस तरह से आपने इसको बेलना है। तवा मैंने गरम कर लिया था और इसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया है। अब ये आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप देख लीजिए, आपने इसको एक साइड से तकरीबन 15 सेकंड के लिए सेकना है, तवा पहले से गरम था, हाई फ्लेम पर इसको 15 सेकंड सेकने के बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और दूसरी साइड से भी आपने इसको 15 सेकंड के लिए पका लेना है। ये इसलिए क्योंकि हमने इस चपाती को स्टेज पर फुली डन नहीं करना। देखिए दोनों तरफ से 15-15 सेकंड मैंने इसको सेक लिया है और मैंने इसको निकाल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये तमाम टाको के जो कवर है वो तैयार कर लूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसको असेंबल कैसे करना है। एक चपाती आप इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर आप लगाएंगे चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस या हॉट चिली सॉस जो पसंद करते हैं वो लगा लें, और एक साइड पर इसके आपने जो आलू की तैयार शुदा फिलिंग है वो आपने रखनी शुरू करनी है, और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल लीजिए, लेकिन ये बेहद मज़े की लगती है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद दूसरी साइड को ओवरलैप करके आपने इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये तमाम टाकोस तैयार कर लूँगी।
अब यहाँ पर मैंने लिया है ग्रिल पैन और इसको मैं वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। आपके पास अगर ये पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल पैन में भी इनको सेक सकते हैं। पैन जब गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके मैं ये टैकोस डालूँगी और मीडियम फ्लेम पर आपने इनको सेकना है या फ्राई करना है। ऑयल बहुत कम इसमें इस्तेमाल होगा। एक तरह से जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इनको चेंज कर दें और अब आपने इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए ढक देना है ताकि जो चीज़ हमने इसमें डाली है वो मेल्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा लिया है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है, अंदर से इसकी फिलिंग भी मेल्ट हो चुकी है। ये काट के मैंने आपको दिखा दिया है, ऊपर से ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बहुत चीज़ी और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता है, ये देखिए। अगर आपको ये देसी टैकोस पसंद आए हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।